सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिए हजरत, बिजली के बिल से लोग बिहार के लोग परेशान हैं या नहीं, यस या नो? देखिए नहीं, फिर आप इधर उधर घूम को पता है तब तक ढिमला गया बेहतरीन। आप पुले के चक्कर में आप लोग लग गए तो पूछिए ना, बनारस में पुल गिरा तो कहानी लोग इस्तीफा दे दिए, उस वक्त का सांसद देना चाहिए इस्तीफा। इस सवाल का जवाब यही हुआ, आप एक्सेप्ट कीजिए ना भैया। तो जो लोग कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम गड़बड़ है उसको सुधार, लोग परेशान हैं या नहीं, फिर वही बात पर आप चले गए परेशान है कि नहीं। लग रहा है कि उधर से आपको नहीं ना कुछ दवा वा मिलती है। सवाल ये है कि यही बात है ना, सवाल पूछिए तो एग्जाम्पल जैसे हमने भागलपुर का पूछा था, बनारस लेके चले गए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो उधर से नहीं मिला किधर? सवाल तो उस दिन ही पूछना चाहिए। इस लालू के टाइम में नहीं हुआ, नीतीश जी के टाइम में रेल हादसा नहीं हुआ जब ये लोग मंत्री थे तो? नीतीश जी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिए थे ना, तो पुलवामा में भी दे दे, इस्तीफा दिए थे ना पुलवामा में भी दे दे नैतिकता के आधार पर। रेल जो है भारत ये है ना कि जब वहाँ पुल गिरा तो गुजरात में पुल गिरा क्यों नहीं पूछने गए? पूछना चाहिए था ना वहाँ के उस वक्त के नेता से कि भाई क्यों गिरा है बताइए तो, 2 करोड़ रोजगार का वादा था नहीं मिला, पूछना चाहिए ना। 415 रुपये सिलेंडर था, 1250 बिक रहा है, पूछना चाहिए ना। माने माने आप दिन रात तारीफ। इसी महीने में 12 तारीख को बिहार के वजीर आला श्री नीतीश कुमार के तरफ से विपक्ष को एकजुट करने के लिए एक बैठक रखी गई थी, हालांकि वो कैंसिल हो गया। इसके अलावा 1700 करोड़ के लागत से भागलपुर में पुल बन रहा था, किस तरीके से ध्वस्त हो गया आप सबने वीडियो देखा होगा। इसके अलावा उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट हुआ, इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब हैं, नीतीश कुमार का कसीदा पढ़ते रहते हैं, उनके कामों को गिनवाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो कुछ भी हुआ है, जैसे कहीं पुल गिर रहा है, विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब नीतीश कुमार जी नहीं हो पा रहे हैं, इसका भी जवाब इनसे लेना चाहिए या इनका क्या प्रतिक्रिया है ये भी जनता तक पहुंचनी चाहिए। स्वागत है सर हमारे चैनल पर। शुक्रिया जी। पुल तो गिर गया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी, जो विपक्ष की आप बात की है, सबसे पहला आपका था कि विपक्ष के बारे में, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का वो चेहरा है जिसमें पूरे भारत के लोगों को विश्वास है, और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी की जो मीटिंग है, अरे किसी कारण कोई डेट नहीं बढ़ जाता है, शादी लगती है, कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है बीच में भाई कैंसिल हो गया, इस डेट में नहीं इस डेट में होगा, तो जो लोग परेशानी में हैं डेट के बढ़ने से, उनको परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तो दो दिन एक दिन से मुकम्मल परेशान हैं, 24 घंटे 48 घंटे से बैठक टल गई, बैठक कैंसिल हो गई, कामयाब नहीं होगा। अरे बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी उस शख्सियत का नाम है कि सिर्फ मफाद की बात वो नहीं कर रहे हैं अपने, वो अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो भारत के बारे में सोच रहे हैं कि भारत के संविधान को कैसे बचाया जाए, जिस संविधान को भारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस भारत के लोगों को दिया, उसको बचाने के लिए वो आगे निकले हैं। इसीलिए जो लोग भी ये कह रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, बस बिहार के वो भी आप पूरे इंडिया को आप चलाना चाह रहे हैं और मीटिंग में लोग नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसल्ट की तो बात तो है। मीटिंग क्यों नहीं, अभी तो अभी शुरुआती दौर है, एक साल पहले उन्होंने कहा कि जो 14 में आए हैं उनको 24 में जाना है, एक साल में देखिए कितना बदलाव आया, पूरे भारत के लोग इस चेहरे का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये गरीब का बेटा पिछड़ा का बेटा आएगा, इंजीनियर उस ज़माने का। अब सोच सकते हैं ना कि बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है और जो काम उनका है, अब इस पर सारे लोग इकट्ठा हैं, जब पूरे भारत के नेता इस बिहार में आएंगे तो एक अलग मैसेज जाएगा ना कि भाई काम अभी पुल बना ही नहीं तब तक ढिमला गया बेहतरीन। आप पुल के चक्कर में आप लोग लग गए तो पूछिए ना, बनारस में पुल गिरा तो कहानी लोग इस्तीफा दे दिए, उस वक्त का सांसद देना चाहिए इस्तीफा। इस सवाल का जवाब यही हुआ, आप एक्सेप्ट कीजिए ना भैया। तो जो लोग बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का 48 घंटे से इस्तीफा के बारे में बोल रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, संभल नहीं रहा, उनसे ये पूछिए कि मैंने देश के उस शहर, भारत के उस शहर को जिसको बनारस बोलते हैं, वहाँ भी तो पुल गिरा था, कहानी लोग इस्तीफा मांगने गए थे, रेलवे मंत्री से कहानी लोग इस्तीफा मांग रहे हैं,
बस नीतीश कुमार खराब है, इसलिए नीतीश में हुआ है, इसलिए नीतीश कुमार ने सब लोग बेचैन हो गया। नीतीश कुमार ने विकास किया है, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने रोड बनाया है, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बताइए ना, बात कर रहे हैं आप लोग, इस लालू के टाइम में नहीं हुआ, नीतीश जी के टाइम में रेल हादसा नहीं हुआ जब ये लोग मंत्री थे तो। नीतीश जी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिए थे ना, तो पुलवामा में भी दे दें, इस्तीफा दिए थे ना पुलवामा में भी दे दें नैतिकता के आधार पर। रेल जो है भारत जो है ना, रेल में जो खेल हुआ ना अभी, उसी खेल का सबब है कि आज वो दिन आया है, 500 लोगों की जान चली गई। नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार भी इस्तीफा दिए, लाल बहादुर शास्त्री भी दिए, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें लगभग 500 लोग मतलब इस दुनिया में नहीं है, आप सोच सकते हैं कि उस रेलवे मंत्री को बाहर निकल कर फौरन इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। या और नीतीश कुमार को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, वो तो उन्होंने जांच का आदेश तो उसी दिन दे दिया ना, पुल गिरा है, जांच का आदेश हुआ है, जांच कराएंगे, फिर उसको देखेंगे, वो फिर पुनः निर्माण कराएंगे, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है, इतना परेशान होने के लोगों को क्या जरूरत है। तो गिरता रहेगा, निर्माण बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी से जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। लोगों को तकलीफ इस वजह से है ना कि अब जो उन्होंने विकास का काम किया है, इसमें जगह नहीं मिल पा रहा है, स्पेस नहीं, और अब जो लोग मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत करते थे उनकी भी दुकानें बंद है, कोई मदरसे के नाम पर सियासत करता था वो भी बंद है, मदरसा और संस्कृत के नाम पर लोग सियासत करते थे वो भी बंद, इसलिए कि जो इन लोगों के बीच 2005 के पहले जो सरकार के बीच खाई थी, वो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने 5 से लेकर अब तक दूर किया है। इसी को तो हम लोग कहते हैं 18 साल बेमिसाल। लेकिन मदरसा के मामले में तो निमौली हो गया, कई चीज़ों में मामले में तो फेल हैं अभी देखा जाए तो। देखिए फेल नहीं है, जो उन्होंने काम किया वो चीज़ मिसाल है, इसमें कोई दो मत नहीं। हाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% सब चीज़ें ठीक हो गई। नीमावली की जो आपने बात की, उस नीमावली को माननीय उच्च न्यायालय में रीट किया गया है, सुनवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी, उसमें कौन सी दिक्कत की बात है। लेकिन जो लोग बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी को टारगेट करते रहते हैं, चाहे वो मदरसा बोर्ड को लेकर हो, चाहे वो अकलियती तबका को लेकर हो, चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो, चाहे और तबके को लेकर हो, उनका वो जहाज़ है बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी का जहाज़, वो है जिसमें सब सवार होते हैं। पूरे बिहार के लोग देखिए ना कितना खुश हैं, यहाँ किसी को कोई मतलब रहता है। ये एक मामले में बहुत लोग परेशान हैं, आपके पास भी 2-4 लोग हर दिन मिल जाता होगा, या सप्ताह में महीने में कई लोग मिलते होंगे। बिजली कौन कौन सा मीटर लग रहा है, 400 आना चाहिए तो 20,000 आ रहा है, 20,000 आना चाहिए तो 1,00,000 बिल आ रहा है, कौन कैसे कैसे रीडिंग आ रहा है, बहुत परेशान है लोग बिजली के बिल से, इसको कौन ठीक करेगा। 5 के पहले बिजली तो थी नहीं बिहार में, तो बिजली है तो इसका मतलब ये कि 2,000 के जगह पे 40,000 लीजिए। जवाब तो लीजिए ना, बिजली तो है नहीं, थी नहीं 5 के पहले, और जब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जब घर घर बिजली पहुँचाया, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है ना। नहीं टेक्निकल नहीं है, लोग का एगो दूगो टेक्निकल होता है ना। अरे भैया मेरे बहुत लोग परेशान है, धरातल पे गांव में जाके देखिए बहुत लोगों को दिक्कत नहीं, है। जब टेक्निकल चीज़ें आएंगी सामने तो फिर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने साफ कहा है कि हम इसका जांच कराएंगे, बिजली इसको ठीक कराएंगे, मीटर सिस्टम में ठीक होगा। बिल में समस्या है या नहीं है ये बताइए। समस्याएं तो बहुत सारी चीज़ों में आती रहती हैं, उसको ठीक करना ना है, गाड़ी चलती है खराब नहीं होती है तो उसको भी ठीक किया जाता है, इंजीनियर है ना, इसमें ज़्यादा समस्या है जहाँ भी किसी भी सिस्टम में। मानिएगा नहीं तो इसका कोई मतलब है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने जितनी योजनाओं को बिहार के अंदर सीमित साधन में लाया है वो मिसाल है, 72 साल का वो नेता है, उनके सामने खड़ा होने वाला कोई है। सीधा सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिए हजरत, बिजली के बिल से लोग बिहार के लोग परेशान हैं या नहीं, यस या नो। देखिए नहीं फिर आप इधर उधर घूम को पता है। कहने का मतलब ये है कि जो सिस्टम गड़बड़ है उसको सुधार, लोग परेशान हैं या नहीं, फिर वही बात पर आप चले गए, परेशान है कि नहीं, लग रहा है कि उधर से आपको नहीं ना कुछ दवा ववा मिलती है। सवाल ये है कि यही बात है ना, सवाल पूछिए तो एग्जांपल जैसे हमने भागलपुर का पूछा था, बनारस लेके चले गए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो उधर से नहीं मिला किधर। सवाल तो उस दिन ही पूछना चाहिए था ना कि जब वहाँ पुल गिरा, तो गुजरात में पुल गिरा क्यों नहीं पूछने गए, पूछना चाहिए था ना वहाँ के उस वक्त के नेता से कि भाई क्यों गिरा है बताइए तो, 2 करोड़ रोजगार का वादा था नहीं मिला, पूछना चाहिए ना, 415 रुपये सिलेंडर था 1250 बिक रहा है, पूछना चाहिए ना। माने आप दिन रात तारीफ करते रहते हैं नीतीश कुमार का, तो जो कमी है उससे रिलेटेड अगर हम आपसे सवाल पूछ रहे तो
हम गलत तारीफ नहीं करते हैं, तारीफ ठीक है तो तारीफ नहीं करते, जो आदमी काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके, इसको भी तो एक्सेप्ट कीजिए। तो प्रॉब्लम तो दूर करने के लिए बिहार के वजीर आला, सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो आप इस पे उनसे क्यों नहीं पूछे, नीतीश मोदी जी से क्यों नहीं पूछे, योगी जी से क्यों नहीं पूछे, ये सारे सवाल का जवाब यही है तो बोलिए। सवाल ये जवाब तो मैं दे, हर चीज़ों को साफ तरीके से मैं रख दिया। क्या आज ही ये आपके जहन में क्यों आया कि ये पुल गिर गया है? उस दिन जब शाम के वक्त में शाम 7 बजे पुल गिरा तो उस वक्त लोग कहाँ थे? जो लोग चैनल सुनिए, चैनल लोग ले लेकर और शाम में दिखाते हैं ना कि 9 साल बेमिसाल, 18 साल बेमिसाल नहीं, ये बताइए कि 18 साल बिहार का ये बेमिसाल, जिसमें रोड है, लाइट है, हर तबके के विकास की बातें की हैं बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने, और लोगों को बेचैनी इसी बात की है कि अब जो चुनाव होना है 24 का, ये विकास के मुद्दे पर होगा, ये एजुकेशन के मुद्दे पर होगा, ये हाथ में कलम के मुद्दे पर होना है, ये हाथ में तलवार के मुद्दे पर नहीं होना है, समुदाय को लड़ाने के मुद्दे पर नहीं होना है, ये वही चुनाव 24 का होने जा रहा है जो 75 साल आज़ादी के बाद इतिहास रचेगा, और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी इस काम में लगे हुए हैं, इसीलिए इसमें कोई घबराने और परेशान होने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। चलिए, मौलाना इमरान साहब से जो मैंने सवाल पूछा, क्योंकि तारीफ अगर आप करते हैं किसी का तो जो जो कमी है उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा, तो जो भी हजरत से हमने सवाल पूछा इनका आपने जवाब सुना, क्या इस आंसर से आप लोग सहमत हैं कमेंट करके बताएं। ऐसे ही बने रहें चैनल पे, हर मुद्दे पे हम लोग हर तरह के लोगों तक हम लोग पहुंचने के काम करते हैं, ऐसे ही बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।